अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पे सोशल डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। यहाँ जनाब डीडीसी साहब जो उपदर्शित भट्ट है, उसके कहने पे उसने हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मिस्टर अकील साहब को जनाब रिक्वेस्ट की थी और अकील साहब ने हमें पूरे टीम को यहाँ भेजा है लोगों के लिए जो हमारे से पेंशन ले रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन या विडोज पेंशन या फिजिकली हैंडीकेप्ड पेंशन, जितने भी पेंशन सोशल डिपार्टमेंट की तरफ से दे रहे हैं 1000 रुपये, तो उनको जनाब बैंकों में आधार लिंक कराना है और आधार लिंक के लिए हमने कंसेंट फॉर्म लाए हैं बैंकों से और यहाँ पर हम उनको एटेस्टेशन करके बैंक में लिंक करवाते हैं जनाब। और हमने आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा है इसके डीडीसी साहब के रिक्वेस्ट पे और जहाँ जितने भी यहाँ पे कंसर्न सरपंच साहिबान हैं उनके रिक्वेस्ट पे हमने जनाब यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप बनाया है और हमारा आज जो गुड गवर्नेंस सेलिब्रेट वीक है जो उसी के सिलसिले में हमने जनाब एक कैंप यहाँ पे मुनक्कद किया है। बिल्कुल जनाब, हम सोशल डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे अवेयरनेस कैंप होते हैं। जब हमने कंगन में भी किए हैं और गांधरबल में डिफरेंट जगहों पे हमने अवेयरनेस किए हैं जनाब, और सपापोरा में हमें पिछली बार भी किया है जनाब, और एक हमने जनाब वाकुरा में किया है, और हम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हर जगह सोशल डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे बूढ़े विडोज फिजिकली हैंडीकेप्ड लोगों के लिए हम अवेयरनेस के बाजार तक मुनक्कद कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ओल्ड एज के लिए होने, मर्द के लिए होने जनाब, सेक्स एज या सेक्स के ऊपर ओवर विडो के लिए जनाब उसकी एज क्राइटेरिया नहीं है जनाब, और जो जनाब बाकी ओल्ड एज वुमेन है जनाब उसके लिए 55 साल से ऊपर, और फिजिकली हैंडीकेप्ड जो है जनाब उसके लिए होना चाहिए जनाब 40% से ऊपर डिसेबिलिटी परसेंटेज होनी चाहिए जनाब। हमारी मैसेज यही है, वैसे हम हर जगह पे हमारे अवेयरनेस कैंप होते हैं जनाब, हम हर जगह पे अपने फॉर्म देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे फॉर्म है जनाब अवेलेबल और हम कैंप में भी जनाब देते हैं और हमारा अवेयरनेस कैंप हर जगह जनाब। روزان پہلی پورا سرہپورا ناو کیا چھ میرا نام شمیم یور کیا کچھ تھی ہم یور چھ ماج نی موجب امس کیا اس ماج امس چھ خاندار گزرے آمت چھ شور چھ پان پان داد امس چھ ہکا وئت کی موس امس اچھا ہز لائٹ امس ہز گئی ونی چھ امس رات سات سارا ماز چھ سارا مان چھ سو تارا کی امس چھ لگان داد سریا پون سوتن چھ اسن بیاک سس کارز ختموتن انسن تو یوس تہ یہ یہ چھ آدھار لنک چھ کرن تہ کوت اوسو پیوان گژھن اسہ اوس پیوان گاندربل گژھن ونی اس کور اسہ عبدالرشیدن ڈی ڈی سی صاحبن یتنا سہ اسہ چھ امس شکر گزار یتنا سن ہوک اسہ ام کریتن ہیلفن اسہ چھ واتن امس اس یا امس اس سن دارد ام واتن اس یوت ام بلا اس یوت یا چھ امس شکر گزار اس کران تو شو باسا ام ڈی ڈی سی سچ یما پور سبا پور آرام زاو اسہ زاو آرام ام سی سچن وری کیا یتنا سن تو کیا چھو تو باقین لوکن ونن ویسان باقین لوکن ویسان یوس ایسا ہمدردی کاری ایم سی چھو ایسا سویت باپن اور چھو ایمی سون سویتن واتن چھو ایم سی سون ات واتن ایمیس اشتی توتن سن ایمیس واتن کیا ایم کری ایس واری ایلت اشتی سویت باکن شکری محمد خلیل خان یور کیا کرنے یور آز آئے ڈی ڈی صاحب گھر شیٹر صاحب بڑ فنڈ کڑی سا یہ کٹ بٹ بس آنو فارم یور اچھا دان گا گاندر بٹ کی لائ کی ووک کی صرف پیسہ دن چو بیس کھانا بہت امن یوز سانہ خطر کور ام یچ پریشانی بچہ ہوں یت مگر یوت افسر وچ آج تین کی وچا پائے یتھ روزا کن پہ یہ پران ہوں تو کیا باسان تھی یت پہ تم پن گھر انو تو تہو آج یہ کارڈن کر آدھار لنک کت کت اس دان کیا ونے بچہ لار گاندربل کیا تھی تنگ دان وغیرہ در وغیرہ یت آو آرام انس سانہ موجود افسر ام کر پن بچے پنس پان قیامت سانہ خطر بہت بس اپیل کر سارے خلقن ووٹ گھن ترا یہ خطر کر آج ووٹ بہت سخت ووٹ صرف کھلے پن گھر گاڑی لنک بوٹ انک دہان دہان ساسن گاڑی انک وان وان لچن امس بچار چھ کھوپر ون کیا ام دت پنس گھرس کیا ون سانہ خطر کر یہ اپیل کر سارے ووٹ گھن ترا تمس گے پڑکھا جی گوہر صاحب، آج کے پروگرام کے حوالے سے بتائیے، جس طرح سے آج یہاں صفاپورہ میں ڈی ڈی سی کے گھر میں آپ نے سوشل ویلفیئر محکمے کو بلایا تھا، تو کیا کارن رہا اس کے پیچھے، کیوں بلایا تھا آپ نے ان کو؟ ایکچولی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے مطلب کئی سالوں سے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی،
जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बुजुर्ग लोग थे जिनके जिनको जो कहते हैं कि अब हमें बताया जाता है कि ओल्ड एज का जो सिस्टम है लेकिन हमें इस चीज में मतलब वो मुहैया नहीं किया जा रहा है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के डीडीसी साहब अब्दुल रशीद साहब वो डीसी साहिबा के पास गए, हमने डीसी साहिबा से गुजारिश की, डीसी साहिबा ने हमें भरपूर इसमें मदद की, उन्होंने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से उनसे बात की तो वो यहाँ पे आए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम चाहते हैं जो हमारा मिशन है जो वाकई जो हमारे बुजुर्ग है यहाँ पे जिनको इनका जो इनके बैंक जो हक रखते हैं ये हर किसी तक हर किसी को इसका लाभ मिलना चाहिए, हर किसी को इसका फायदा मिलना चाहिए। तो इसी मिशन को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ के समावर के पूरे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको आगाही की, उन तक ये बात पूछा है कि आप आए, आपको गांधरबल जाने की जरूरत नहीं है, आपको दफ्तरों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आज डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीडीसी है उसके घर पे हमने सारा डिपार्टमेंट बुलाया है डीसी साहिबा की मदद से, और जो हमारे सोशल वेलफेयर है उन्होंने भी हमारे साथ कॉपरेट किया, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उन्होंने कॉपरेट वो यहाँ पे आए और सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। और एक दफा फिर भी यहाँ पे सभापुरा की जो आवाम है उनसे ये कह रहे हैं कि अगर अभी तक किसी के ये बात नहीं किसी तक नहीं पूछी है और यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया, हम एक दफा उनसे फिर गुजारिश करें वो आए यहाँ पे, जो हमारे डीसी साहब है डीडीसी साहब है और वर्दी डीडीसी साहब अब्दुल रशीद उनके घर पे आए, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको सही गाइडलाइंस देंगे। और गवर साहब आपको लगता है कि सभापुरा जो एरिया है काफी दूर है गांधरबल से, यहाँ के बुजुर्ग लोग जो है कहीं ना कहीं इनको काफी सारी मुश्किल उठाने पड़ते थे गांधरबल जाने के लिए, तो आपको लगता है कि यहाँ पे एक सोशल वेलफेयर का छोटा एक ऑफिस होना चाहिए जिस तरह से यहाँ के बुजुर्ग जो नजदीकी वहाँ पे जा सके? बदकिस्मती की बात है मैंने पिछले दफा भी ये जो आपने सवाल किया है बड़ा अच्छा सवाल है, पिछले दफा भी मुझे यही सवाल किया गया, मैंने उस टाइम यही जवाब दिया था कि मैं ये कहूंगा पिछले 17 साल से जितनी भी हुकूमतें आई तो सिर्फ वोट के हासिल वोट हासिल करने के बगैर उनका कोई मिशन नहीं रहा है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों के फायदे के लिए हमने पहले भी कहा था यहाँ पे इनका एक दफ्तर होना चाहिए ताकि हमारे बुजुर्ग लोग जो है उनको यहां से गांधरबल का सफर ना करना पड़े, क्योंकि इन बुजुर्गों में ऐसे लोग भी हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो बीमारियों के भी शिकार हैं, और ताकि उनको आसानी मिले। तो यही एक सबसे बड़ी वजह रही है कि इन चीजों पे तवज्जो नहीं दी गई है। और हाँ, आज की जो युवा यहां पे आए इस खासकर इस दौर में जो चुने गए हैं उनकी हमेशा पूछने में रही है कि ये सारी जो फायदे हैं इनको मिलने चाहिए। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर बात करेंगे तो आप एक बीडीसी है तो कौन सी डेवलपमेंट आज तक आपने की है अगर सभापुरा जिले की बात करेंगे? देखिए जी, मैं ढंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि इससे पहले जो जितनी भी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही थी जितनी भी सरकारें थी तो उन्होंने सिवाय बिजली पोल के और सिवाय सपनों के लोगों को कुछ नहीं दिया है। आज हम ये कह सकते हैं, मौजूदा सरकार के दौर में भी कह सकते हैं, जो मौजूदा सरकार का वादा रहा वो सच्चा रहा और हम उसके इत्तेबा भी हम उसको मानते हैं कि उनका वादा जो रहा वो सच्चा रहा, और उनकी निगरानी में और मौजूदा सरकार की निगरानी में मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में जो आज डेवलपमेंट हो रही है वो पक्की हो रही है और 100% सच्ची हो रही है, क्योंकि आज सरकारी पैसा जहां लगाया जा रहा है सोच समझ के लगाया जा रहा है, उस पहले की तरह नहीं कि एक जगह पे ड्रेन लगाई जाती है उसी ड्रेन को 6 मरतबा उसी पे पैसा निकाला जा रहा है। आज जब हम पैसा लगा रहे हैं बिल्कुल उसी सीमत पे लगा रहे हैं जहां पे लोगों की डिमांड होती है। बात करेंगे अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपने बताया था जब आपने इलेक्शन जीता था उस टाइम आपने बताया था कि हम सभापुरा को एक डिग्री कॉलेज लाएंगे, उस बुनियाद पर आपने जो है इलेक्शन जीता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए आपकी बात सही है, जब हमने इलेक्शन लड़ा जब हम मैदान में इलेक्शन हमने जीता हमने सभापुरा की आवाम से यह वादा किया कि डिग्री कॉलेज हम यहाँ पे दिला के रहेंगे। तो लेकिन मैं सभापुरा की आवाम से ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे आप अच्छी तरह से जानते हैं जो पावरफुल से पहले हुकूमतें रहे उन जबकि उनके ये दाएं हाथ का काम था, अगर वो चाहते तो उस वक्त सभापुरा के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, डिग्री कॉलेज दे सकते थे, लेकिन उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो हम नए युवा आए यहाँ पे डीडीसी आया बीडीसी आया और हमारे 5 सरपंच हजरात आए तो हमने लोगों के साथ वादा किया इंशाल्लाह ताला जो पिछले सरकारें या पिछले जो हमारे मिनिस्टर हजरात यहाँ पे आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे लोगों को पता है कि हम मिनिस्टर कौन रहे हैं, तो उन्होंने जो वादे किए वो पूरे कर सके ना कर सके ये लोगों को पता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने लोगों के साथ वादा किया तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी ताकत है एज ए बीडीसी एज ए डीडीसी हम इस पिछले दफा पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव की सूरत में एलजी के साथ गए एलजी साहब के पास गए, हमने वहां पे सबसे पहले ये डिमांड की कि हमारे पास डिग्री कॉलेज की कमी है। गवर साहब आप एक बीडीसी है यहाँ पे ब्लॉक जलाएगा तो उस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सभापुरा की बात करेंगे कहीं ना कहीं दर की ठोकरें खा रहे जिस तरह से यहाँ पे बीडीओ ऑफिस की बहुत ज्यादा किल्लत है,
जो यहाँ पे आरडी जो बीडीओ ऑफिस अभी चल रहा है उस पे भी सिटे है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये जो हमने अपने डीसी साहब से भी ये मसला उठाया, उसके पास भी ये मसला उठाया, हमने अपने एसीडी साहब के पास भी ये मसला उठाया, बीडीओ साहब के पास भी, क्योंकि टेम्परली मैं सपा परों का ये बताना चाहता हूँ, जो इस वक्त ब्लॉक गढ़बल में है वो टेम्परली है, वो मुस्तकिल वहां पर नहीं है। हमने ये उनसे ये उनके पास ये रिक्वेस्ट रखी है कि जो जलाया गया अब कौन से आंसर आए, क्यों जलाए, उनका उसके पीछे क्या मकसद था, क्योंकि हम ये खुल के तब तक नहीं बता सकते जब तक पुलिस पूरी तरह इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, उसके उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि किन किन आंसरों ने किया, उनका क्या मसला है। लेकिन हम इस वक्त फिर इस वीडियो के माध्यम से डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वहां पे ब्लॉक जला गया आप उसको रिपेयरमेंट करें, क्योंकि हमारे पास फंड्स मौजूद है, अगर वो हमें इजाजत है उसकी रिपेयरमेंट हो सकती है, वहां से फिर से ब्लॉक शुरू हो जाता है, हम वहां से फिर क्या क्या सभापुर के जो लोग हैं उनको अपने यहां सभापुर से बाहर ना आना पड़े, कि उनको यहां पे इसकी आसानी मिले। हम यहां हमारी जो चाहत है कि हम कहते हैं इसकी रिपेयरमेंट हो जाए और हम वहीं पे फिर कामकाज शुरू करेंगे। अब आखिरकार जो है सभापुरा की आवाम के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपापोरा की आवाम है, बाशूर आवाम है, गयूर आवाम है और मैं दिलेर आवाम है, मैं उनसे यह कहूंगा इंशाअल्लाह ताला जो हमारी ताकत है, जो हम तक है, चूंकि लोगों से छुपी हुई बात नहीं है कि बीडीसी के कितने ताकत है, डीडीसी कितने ताकत है और कितनी बीडीसी और डीडीसी की चलती है, लेकिन यह हम आपसे वादा करते हैं जितनी हमारी चलती है, जितना हम कर सकते हैं सपापोरा की आवाम के लिए करेंगे। शुक्रिया।